बार बठिंडा से स्वागत। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अमूमन ये वो समय होता है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन मैं यकीनन आपसे आज जिन लोगों के साथ हूं, जिन लोगों के बीच हूं, जब मैं बठिंडा पहुंचा, खबर मेरे पास आ चुकी थी, मैं उस समय पटियाला में था। आज मैं वो प्रोग्राम नहीं कर रहा, आज मैं जहां होना चाहिए था मैं वहीं हूं, और आप लोगों के बीच में शायद वो घड़ी है जिसको शेयर करने में शायद मुझे गला रुंध गया। यकीन मानिए, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन उसके बाद जब खबर धीरे 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 आगे बढ़ी तो मुझे यकीन हुआ, फिर लगा कि शायद कोई, फिर शायद कोई, हाँ अभी भी एक जिंदगी लड़ रही है। और हमारी सारे, आप सारे जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, आज हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बठिंडा में कुछ सर्विंग लोग भी हैं जिनकी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जो हुआ वो शायद अविश्वसनीय है। मैं जानता करना चाहूंगा। एक आर्मी ऑफिसर, एक जवान ये चाहता है कि एक बार युद्ध में दो चार बार हो जाए तो अच्छा है, युद्ध लड़ा जाए और उसमें दो चार हो तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो ये कभी सोचता भी नहीं है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो यहां पे मौजूद उन 13 जो शहीद हैं, मैं उनके लिए सल्यूट करता हूं, सबकी तरफ से सल्यूट करता हूं, और इस बात के लिए तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं दुआ मांगता हूं कि जो एक जिंदगी लड़ रही है उस सब के लिए, मेरे सारे लोग, जितने लोग आज आप यहां पे मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं, कि वो वैसे ही हंसते खेलते लौट के आए और जीवन में जो जीवंतता होती है उसके साथ। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी तरफ मुड़ना चाहता हूं। सर जी, सर परिचय जानना चाहता हूं। कर्नल वीरेंद्र फ्रॉम इंडियन आर्मी आर्टिलरी, आई हैव पार्टिसिपेट, मैंने कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, और बठिंडा से 2014 में रिटायर होने के बाद मैं यहीं पर ही सेटल हुआ हूं। मैं कुछ अपने कारगिल के एक्सपीरियंसेस और उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान हमारे साथ हुए कुछ हादसे शेयर करूंगा। सर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जो ये कुछ सर्विंग लोग भी हैं, मुझे जब मैं यहाँ पे था तो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैं उनके पास पहुंचना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे मालूम है आपने जूते उतार लिए हैं, आप वहां तक जाना चाहते हैं, जाइए सर, आप दोनों लोग जाइए, मैं आप दोनों लोगों की वो ले लेता हूं। आप यहीं पे पोस्टेड हैं सर जी, जाइए जाइए। अमर रहे सर, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मैं नरेंद्र यादव जी, नरेंद्र यादव जी, बठिंडा छावनी से जी, बठिंडा छावनी से हैं सर। आप आए थे और कैसे? सब आए थे हम कुछ शॉपिंग के लिए, फिर देखें यहाँ प्रोग्राम हो रहा है साहब का जी, तो इसकी वजह से हम रुके यहाँ पे। सर ये होता है, ये होते हैं जज्बा, और ये होता है जज्बा, देखा कि साहब का हो रहा है। सीडीएस, पहली चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सर मौजूद थे, और यकीन मानिए जो आर्मी और जो सिविलियंस और तमाम वो सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, एक ही जज्बे के साथ हैं,
और वो परिवार के साथ हों चाहे यहाँ पे, तमाम वो सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविलियंस हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ। सर आपका नाम? नीरज जाड़ा जी। आप यहीं बठिंडा से? जी बठिंडा से जी। बहुत ज्यादा दुख हुआ जब पता चला कल भी हमारे सीडीएस विपिन रावत जी जब नहीं रहे, क्योंकि विपिन रावत जी का जितना मैं जानता हूं 1958 में उनका जन्म हुआ और 20 साल की उम्र में वो आर्मी में भर्ती हुए थे और हमारा बब्बर शेर जो चला गया, हमारा हिंदुस्तान का बब्बर शेर चला गया, हर आदमी का हर हिंदुस्तानी का कलेजा दुख से फट गया। बहुत दुख हुआ, ना पूरे होने वाली जो कमी है हमारे देश को शक्ति हुई है, जो नुकसान हुआ हमारे देश का कभी पूरा होने वाला नहीं है। हमारा बब्बर शेर चला गया, ये है जज्बा। सर खड़ा करना चाहूंगा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं यहीं बठिंडा में, मैं पूछना चाहता हूं जब ऐसे हादसे होते हैं सर तो फीलिंग क्या है? वो जो फीलिंग लगता है कि ठीक है हम वॉर लड़ रहे हैं, हम सीमा पर हैं, मौजूद हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जब ये ऐसे हादसे हो जाए तब? आई एम कर्नल विश्वामित्र फ्रॉम आर्मर कोर सेटल्ड इन बठिंडा। जो इस किस्म के हादसे होंगे है एक बारी मन बैठ जाता है, क्योंकि जदों सानू तां साडा वो वड्डा भरा लगता सी, जदों कोई भी आदमी इस तरीके नाल चला जाता है तो एक बारी यूं लगता है कि साडा अपना कोई चला गया है। आर्मी दे विच जिन्ना चिर असीं जॉब करते हैं जां जदों असीं पेंशन भी आ जाते हैं तो साडा एक इहो जिहा गठबंधन हो जाता है, भावें उह जवान है, भावें JCU है, भावें अफसर है, खून किसी का भी रुलदा है वो एक शहीद हुंदा है। और जदों शहीदां दी इस तरीके नाल संजाजली दित्ती जांदी है तो सिर ऐटोमैटिकली झुक जांदा है। सिर्फ आर्मी दे विच जां जदों बॉर्डर दे विच जां इस किस्म दे हादसे हुंदे है तो जिहदे आपां फखर दे नाल जिहड़ा तिरंगा झंडा है वह भी झुक जांदा है। तो जिस तरीके नाल अपने कल हादसा होया जनरल बिपिन रावत जिहड़े कि पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे है, ऑलमोस्ट मैं भी 58 का बॉर्न है, ये भी 58 के ही बॉर्न है, असी सेम एज दे सी, पर सेम एज का सेम ग्रुप का जदों कोई आदमी चला जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो शब्दों तो बाहर है, शब्दों के बाहर है। और यही है, चाहे कोई सिविलियन हो, मैं आपके पास आता हूँ। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है। मैं तो वैसे तो हाल चाल पूछता, तमाम तरह की बातें करता, लेकिन आज माहौल कुछ और है, लिहाजा बातचीत पे कुछ और बात आएगी। विपिन जी दे मौत दे ए किते भी हिंदुस्तान च भरपाई नहीं हो सकती, ए सारा हिंदुस्तान इस दुख दा बहुत दुखी। आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो लोगों ने कहा कि नहीं प्रतीक जी, आज हम सारे लोग जो हैं यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि भाई बातचीत का सिलसिला शुरू करना है इलेक्शन का, एक कैंपेन के दरमियान, जैसे आप जानते हैं भैया जी कहीं के लिए मैं आता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया तो माहौल कुछ और था, शहर के अंदर माहौल कुछ और था, बात करने वाले कुछ और थे, बातचीत का सिलसिला कुछ और था, चर्चा था, क्योंकि बठिंडा आपको मालूम एक तो पंजाब की धरती, और वहाँ पे भी बठिंडा में जहाँ पे मैं मौजूद वहाँ पर एक अलग जज्बा है। एक तो ये गुरुओं की धरती, शहीदों की धरती, वीरों की धरती, यहाँ पर जज्बा ही कुछ और होता है। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। कहना चाहते हैं सर, विपिन रावत जी का जो घाटा पाया दुश्मन वो कदे नहीं पूरा हो सकता, जो दुश्मन नु सीधे ही कह रहे थे कि इस तरफ से गोली नहीं चलेगी, उस तरफ से चली तो कोई गिनती भी नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ आपके आपके आंखों में पानी, में साफ देख रहा हूँ। है सर, ये जज्बा है, कोई किसी का नहीं लगता लेकिन सब सबके हैं। और ये हिंदुस्तान में आर्मी का मतलब होता है, जिनको मतलब नहीं मालूम उन्हें मतलब सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान में आर्मी का मतलब क्या होता है, वो यहां आए और सीखें और पता करें कि आर्मी का मतलब हिंदुस्तान में क्या होता है। कोई दूर है, बहुत दूर है रहने वाले, मैं नाम भी नहीं जानता आपका। सर क्या है? अनूप गर्ग। अनूप गर्ग साहब क्या काम करते हैं सर? ज्वेलरी का मेरा काम है, NDRF के मेरा कोर्स किया। ज्वेलरी का काम है सर, और आंखों में पानी है। अब आप पूछ सकते हैं कौन कैसे, बस एक ही घटना
वो एक घटना जिसने तेरा जिंदगी नहीं शौर्य, वो लोग जिसका एक नाम दिया था मेरा बब्बर शेर। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं सर आप? मैं कुलवंत सिंह, दरियावे कन्ने बगला बैठा गेल करे ने हंजरू अचिंते वाजपाई ते रब दे केला बिसरिया। साडा देश बहुत खुशी मना रहा सी पर ऐसा हादसा बीत्या, सारा देश झंझोड़ के रख, बहुत दुख है, घाटा पूरा होने वाला है। शब्दों पे मत जाइएगा, शब्दों के अर्थ मत समझिएगा। आंख का पानी वीरों के लिए जब निकलता है या गिरता है ना, तो कहानी अपने आप लिख देता है। चरागों की रोशनी में आंखों का पानी बहुत काफी है कहने के लिए पूरी कहानी। ये वही है धरती जहां मैं बठिंडा में मौजूद बातचीत के सिलसिले को सिर्फ जोड़ने के लिए। जनाब क्या नाम है साहब? अमनदीप सिंह नाम है सर। पहले तो कल जब न्यूज देखी तो यकीन ही नहीं हुआ अभी रावत सर का ये एक्सीडेंट हो गया है, पर जब आज सोशल मीडिया पे देखा कि उनकी डेथ हो गई है तो बहुत बहुत बुरा लगा। हमारे पहले CDS थे, 27th वो आर्मी के चीफ रह चुके हैं, बट जो देश को घाटा पड़ा वो शायद ही पूरा हो सकेगा, आने वाले सदी तक तो नहीं होगा, मे बी बहुत ज्यादा बिलीव ही नहीं हुआ होगा कि कैसे ऐसा हो सकता। सोशल मीडिया पे देखा, फिर न्यूज पे देखा, कंफर्म किया, फिर पता चला भी एक्सीडेंट हुआ जिसमें रावत सर थे, और आज देखा तो वो बस यकीन ही नहीं हुआ उस चीज का। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सबके पास सिर्फ एक ही कहानी। सर बिलीव नहीं हुआ सर, कैसे कहें, कैसे बताएं कि क्या कुछ बीत गया, क्या कुछ रह गया। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? आज मैं निशब्द हूं, स्तब्ध हूं। ये शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं रहे हैं। ये जवान है हमारे देश के, ये खुद जलकर मेरे देश को रोशन कर रहे हैं। देश में रोशनी है, देश में त्योहार मनाए जाते हैं, मेरे जवान बॉर्डर के ऊपर तपती धूप में, सर्दी में, बर्फ के अंदर मैं देखती हूँ कैसे भरे पड़े होते हैं। इन जवानों को मैं नमन भी कर दूं तो भी कम है, मैं खुद ही समर्पित हो जाऊं, खुद ही झुक जाऊं, निछावर कर दूं इन पे तो भी कम है। बाजी कुछ भी कर दूं कम होगा, मैं निछावर कर दूं, बिछ जाऊं, इन कणों में मिल जाऊं, तब भी शायद शब्द कम पड़े, ये जीवन कम पड़े। ये है शौर्य गाथा बाजी, और ये है पंजाब से जो आज मैं बठिंडा में ये स्पोर्ट्स मार्केट में मैं मौजूद हूँ उसका सिलसिला यहाँ से जोड़ रहा हूँ। सबके हाथ में एक कहानी है, सबके पास एक कहानी है कहने के लिए। सर मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच सर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर आर गोपाल, एक्स कैप्टन। मैंने, पर ये लोग नहीं जानते, मैंने 65 में वार देखी है। उस वक्त भी मैंने इतना दुखद हादसा नहीं सुना या देखा जितना कि हमारे पहले CDS के साथ हुआ है, और उनके साथ 13 और आर्मी ऑफिसर्स और एक अभी स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। मुझे दुख इनको नमन करते हुए सबको, मुझे दुख इस बात का है कि भी हमें, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसे हादसों को रोक सकें। तो वेटिंग फॉर द टाइम, मैं चाहता हूं कि भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सके कि ऐसे हादसे हम उनको कभी ह्यूमन एरर बोल देते हैं, कभी हम उनको टेक्निकल एरर बोल देते हैं, लेकिन ऐसे हादसों को हमें बचाना चाहिए। मैं नमन करता हुआ विपिन रावत जी को, उनके साथ जो जितने आर्मी के शहीद हुए हैं, 13 आर्मी शहीद हुए हैं, मैं बठिंडा के लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि देता हूं। जी हमने बहुत तरक्की की है, निश्चित तौर से पार्लियामेंट में सवाल जवाब होंगे, बहुत सारी इंक्वायरी के बाद बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन यकीन मानिए युद्ध में भी नहीं होता है ऐसा कि एक साथ इतने लोग, इतने वीर एक साथ शहीद हो जाए। सर मैं मालूम है आंखों में आप जवान के आंख में पानी आ जाए, कितना कितना गमगीन दिन होगा सर।
बहुत ही दुखदाई घटना हुई है कल, और ये सब दे लिए साढ़े लिए बहुत अफसोस है। ऐसा का हादसा नहीं होना चाहिए। साड़िया जो सरकार है अपने विरोधियों वास्ते तो पैगोसिस टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन साड़ी अपनी जो साढ़े हथियार है इन्हों अच्छे करने वास्ते उस वास्ते कोशिश की कोई ना कि कमी रह जाती है। मतलब ये सानू बहुत इस चीज़ का दुख है, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। पहला भी ऐसा हादसा 1963 होया सीगा और अज दोबारा होया, तो मतलब ये बहुत साढ़े लाई दुख की बात आ। अभी सारे इस तो बहुत आहत आ, दुखी हाँ कि पता नहीं अगर अगर साडा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही सेफ नहीं है तो फिर जवान जो सामने गोली लेके चुस्मन लड़ता है, अतवादी लड़ता है, वो कितना सेफ होगा? मतलब आपका सवाल है, क्यों नहीं होंगे सवाल? जब मैंने कहा कि युद्ध में एक साथ ऐसा नहीं होता कि कभी इतने बड़े ऑफिसर्स एक साथ चले जाएं, तो सवाल तो होंगे, क्यों नहीं होने चाहिए? और सवाल जब हम पूछेंगे, निश्चित तौर से यकीन मानिए हम सही और सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल होना चाहिए और सवाल पूछे जाने चाहिए। जी साहब, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। हुजूर, ये जो विपिन रावत जी की एक बबर ट्रेजडी हुई है, ये सबसे इंडिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमने इंडिया का वो बब्बर शेर खो दिया जिसकी कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तक सूरज चांद रहेगा विपिन रावत जी का नाम रहेगा। ये बहुत इंडिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेजडी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। हर आदमी अपनी तरह से अपनी अपनी बात कहना चाहता है, और यकीन मानिए आज पूरा देश जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं या जो भी हैं जहां भी मौजूद हैं, वो हर कोई शख्स जुड़ा हुआ है इस खबर से। और अपनी तरह से, जैसे अभी मैम कह रही थी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बिछ भी जाऊं तो भी शायद मैं पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। मैम जी, कहना चाहती हैं कुछ? मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब वो अन्ना हजारा के साथ घूमने निकले थे, तो रात के 12:30 के करीब वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने 5 बातें कही थी। नाम रावत साहब, हाँ जी, नाम याद रखना है। नाम मीन्स देश। और नमक खाया है किसका? खाया है धरती का। धरती का हम कभी भी गुण नहीं भूल सकते। विश्वास, जो विश्वास है वो है। हम इन्हीं की वजह से शांति अपने घरों में सोती है, ये जागती है, हम सोते हैं। और जो पंजाब के 2 बच्चे शहीद हुए, मैं उनको भी नमन करती हूँ। हरजिंदर एंड गुरदेव सिंह, वो भी इनके साथ थे, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और परमात्मा से दुआ करती हूँ कि आगे इन फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना घटे कि हमारा भी जाए। जी, मैंने कहा ना, जिस शख्स को भी उठाएंगे इस वक्त देश में, उसके पास कहने के लिए शब्द कम है, आंखों का पानी बेसकता निकल आएगा। तो यूं ही बात का सिलसिला जोड़ देता है। सर, मैं खड़ा करना चाहता हूँ। नमस्कार सर, कुछ कहना चाहते हैं? कहने के लिए कुछ रहा नहीं सर। बहुत ही वीर सपूत जो अब हिंदुस्तान ने खो दिया, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। हम ऐसा वीर सपूत खो चुके हैं जिसकी कमी कभी भी देश पूरी नहीं कर सकता। सैल्यूट ऐसे वीर। सैल्यूट सर, सैल्यूट। ऑफकोर्स तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स भी यहां पे मौजूद हैं, जो आए थे शॉपिंग करने, उन्होंने देखा कि साहब यहां पर हैं। साहब से मतलब वो कि जो फोटो में मौजूद है यहां पे, लेकिन हां साहब तो मौजूद है, वो जज्बा तो मौजूद है, वो पराक्रम, वो शौर्य गाथाएं तो मौजूद है, और वो इंस्पिरेशन मौजूद है। जुड़ गया, बैठ गए आके, पत्नी के सहित थे वो, आके यहां पे बैठ गए, विराज गए, कहने लगे कि मुझे साहब के पास अपने 2 शब्द बोलने हैं, और शब्द भी नहीं बोलने हैं, साहब तक जाके वो जो हमारी संवेदनाएं हैं वहां तक पहुंचाना है। और ये है हिंदुस्तान में आर्मी का मतलब, जिसको कि आज मैं यहां पे बठिंडा में मौजूद तमाम सारे लोगों को, यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो स्पोर्ट्स मार्केट है बठिंडा की, यहां पे मैं देख रहा हूं।
सर मैं आपके पास आया हूँ, परिचय जानना चाहता हूँ सर। तो मैं कर्नल सुभाष सिंगला। सुभाष सिंगला सर। सेना मेडल। सेना मेडल सर। अब मेरे को गर्व ये होता है मैं जनरल रावत सर के साथ ट्रेनिंग की हुई है सर। आगे सर ये हम साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी में साथ थे, साथ चले, सारे साथी साथ चले, रास्ते में कुछ छोड़ते गए और हम उठ के फिर चल दिए। यही फौज है, यही फौज, यही है, यही चलते गए, कुछ बिछड़े, कुछ गिरे, फिर जो गिरे थे वो उठे, कुछ लोग आगे बढ़े और ये काफिला आगे बढ़ता चला गया। यही आर्मी है, यही सर, यही डिसिप्लिन, यही है, यही हमने देखी है। कोई ऐसी चीज जो इनके बारे में सेना में कही जाती है और इनके जज्बे के बारे में, इनके शौर्य के बारे में कही जाती है? मैंने इनको ट्रेनिंग में ही देखा था और ट्रेनिंग में भी ये आला दर्जे नंबर वन थे। उनको सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था नेशनल डिफेंस एकेडमी में। सोर्ड ऑफ ऑनर उसी को दिया जाता है जो पूरे कोर्स में फर्स्ट आता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, उसी को मिलता है ये शौर्य, उसी को ये शौर्य मिलता है। और उनको मिला, और उनको मिला, और वो आगे तक ऐसे ही बढ़ते गए और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। आज ये प्रोग्राम बहुत खास है, खास इसलिए कि इसकी अपनी एक गति है। जो तमाम सारे प्रोग्राम जो मैं करता हूँ, रोज मैं प्रोग्राम करता हूँ, उनसे कई 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 गुना ये तेज प्रोग्राम है। इसकी अपनी एक गति है और वो गति है जो मंथर है, धीरे है, लेकिन उसके बावजूद इसका कटाव जो है वो बहुत तेज है, सीना चीर देने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात, अपनी 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 जो व्यथा है आज जोड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। सर प्रतीक जी, आपने कहा कि बठिंडा गुरुओं की धरती है, इसे मैं कुछ ऐड कर दूं, बठिंडा में एशिया का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट भी है। और मैं आपको बता दूं, कारगिल के जो पहले शहीद हुए थे विंग कमांडर अजय आहूजा, उन्होंने बठिंडा से ही उड़ान भरी थी, बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से। भारत माता की। आज मेरी बार बार, मुझे वो जब बठिंडा पहुंचा, मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रोग्राम कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रोज होता है, लेकिन मुझे आज आप लोगों से जुड़ के जो अनुभूति हो रही है, जो जो अंदर से जो भावनाएं हैं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता सर। प्लीज, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल विपिन रावत और जितने भी उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और शहीद हुए हैं आर्मी ऑफिसर जवान, उनको बठिंडा की धरती से जो आपने इतने बड़े चैनल से श्रद्धांजलि दी है, ये बिल्कुल सार्थक है। और ये शहीदों की धरती है और हम सब बठिंडा वासी जनरल विपिन रावत, उनके साथ जितने भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने बठिंडा को चुना। जी, मैं आया तो कुछ और था, क्योंकि हवा कुछ और थी, उस पे मैं दौड़ रहा था। और ये कह सकते हैं कि बाजी जो हमारे साथ रहते हैं, उनके घोड़े इसी तरफ दौड़ रहे थे कि एक शहर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा शहर। लेकिन जब ये खबर आई तो लगा कि रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और सुबह से जिस माहौल के अंदर, जिस विचार के साथ हम रहे, वो अपने आप में बहुत 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 दुखदाई है। लेकिन हाँ, ठीक है, जैसा कर्नल कह रहे थे कि आर्मी का मतलब ये होता है, फिर कुछ लोग बिछुड़ते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, फिर कुछ लोग उठते हैं, और फिर कारवां चलता है और अपने अपने जहां पे वो पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है। मुझे मालूम है आज एक शख्स और भी मौजूद है जिसने अपनी तरह से चीजों को पिरोया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं खड़ा करना चाहता हूं आपको, बहुत सुंदर बजाया है आज आपने। जी, हम तो एक आर्टिस्ट आदमी है, आर्टिस्ट आदमी का काम है अच्छा बजाना और देश का गीत गाना, देशभक्ति का जो हमारे। इतनी सी बात अगर सबने समझ ली होती तो यकीन मानिए कि हम सारे लोग जी लिए। आर्टिस्ट का काम होता है अच्छा बजाना और देश के लिए जीना। क्या बात है, क्या नाम है हुजूर आपका? महेंद्र जी। महेंद्र जी, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, सैल्यूट करता हूँ सर। आपने कहा कि आर्टिस्ट का काम यह है कि अच्छा बजाना और फिर देश के लिए जीना। देश के लिए कुछ और भी बजाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं? और सुनाइए मुझे, और हम सारे लोग उससे जुड़ना चाहेंगे, जरूर जुड़ना चाहेंगे। मैम आप कहाँ से हैं जी?
बठिंडा से। बठिंडा से कुछ कहना चाहती हैं? जो हमारे 13 शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। उनको नमन करते हैं सर जी, ऑफ कोर्स सर, हम भी यही चाहते हैं जो शहीद हुए उनको नमन करते हैं, सलूट करते हैं। ऑफ कोर्स तमाम सारे वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। क्या सुना रहे हैं सर आप आज, क्या नमन है? महिंदर ए मेरे वतन के, क्या बात सुनाइए। मैंने आपसे शुरुआत की थी, बातचीत का सिलसिला जोड़ा था, मैं आपके पास आया था और बठिंडा के तमाम सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी अपनी तरह से शहीदों को याद किया। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप आज के दिन और तमाम वो जो घटना हुई उसको कैसे समेटना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कल जो ये हादसा हुआ है बहुत ही दुखदाई है और इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। जनरल साहब जो कि हमारे पहले CDS, हमारी लगभग 20 साल की तपस्या के बाद बनाए गए थे, क्योंकि 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसकी स्टडी के बाद ये फैसला लिया गया था कि एक CDS बनाना ज़रूरी है और वो बनाने में 20 साल लग गए, हमें बहुत फक्र हुआ। लेकिन पहले ही CDS के साथ ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखदायक है और उससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि जनरल साहब अपनी मिसेज के साथ इस एक्सीडेंट में मारे गए, उसके साथ उनके साथ जो ब्रिगेडियर साहब थे जो कि अगले कुछ दिनों के बाद एक डिवीज़न को टेक ओवर करके मेजर जनरल बन के कमांड करने वाले थे उनको भी हमने खोया, उनके स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह, फिर उनके साथ जो पैरा के जो कमांडोज थे वो भी इसमें मारे गए, एयरफोर्स के जो पायलट थे 3 में से 2 मारे गए, एक अभी अपने संघर्ष कर रहे हैं विलिंगटन में मिलिट्री हॉस्पिटल में। इसके अफसोस जाहिर करने के साथ साथ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ गोज ऑन, जैसे कल सिंगला साहब ने बताया कि फौज में जो मेन एम है उसकी तरफ निगाह होती है अर्जुन की तरह, बीच में बिछते जाते हैं जवान JCOs ऑफिसर्स, लेकिन फाइनली मेन एम अचीव करना ही होता है। मुझे फक्र इस बात का भी साथ साथ हो रहा है कि कारगिल के दौरान जब लड़ाई की शुरुआत हुई ये इसी एरिए के मेरे पंजाब के जो यूथ है उनमें इतना जज्बा था, कोई ट्रेनिंग नहीं है फौज की, जोश में आके कारगिल की पहाड़ियों के नीचे आके सड़कों पे वो सोते थे और हमें निवेदन करते थे कि हमें किसी भी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करने का मौका दो। सिविलियंस की बात कर रहा हूं मैं, जब यूथ वहां पे आए थे लाखों की तादाद में, उसके लिए हमें फक्र भी होता है लेकिन हम उनको इंडक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो अनट्रेन्ड थे। तो ट्रेनिंग हमारी साथ साथ चलती है। बीच में जिक्र किया स्क्वाड्रन लीडर आहूजा साहब का, जिन्होंने बठिंडा से फ्लाइट लेके कारगिल में अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर,
मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि मैंने इन अपनी दोनों आंखों से उनके हवाई जहाज को क्रैश होते हुए देखा है, उनकी बॉडी को पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा ले जाते हुए देखा है, और उनको जो बचाने गए थे उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकेता, आज वो ग्रुप कैप्टन है, उनका सेकंड क्रैश हुआ प्लेन उसी जगह पे ही लगभग, उसको भी मैंने ले जाते हुए देखा है पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से। लेकिन क्योंकि उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में और वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी, पाकिस्तान उसको मार नहीं पाया। विद इन सेवन डेज उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकेता को अमृतसर बॉर्डर के जरिए हमें हैंडओवर किया, और उनकी हालत ऐसी थी कि वो खुद बयान नहीं कर सकते उनके साथ कितना कितना बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया गया पाकिस्तान में। हालांकि उनकी जो फोटोग्राफ डाली गई थी चाय पीते हुए की, ये करते हुए की, वो सब झूठी होती है। वास्तविकता यदि आप आर्मी में देखो तो हमारे जो जवान, हमारे जो ऑफिसर्स, हमारे जो जेसीओज, कारगिल का मैं बताना चाहूंगा आपको, कारगिल में जो हमारी परसेंटेज ऑफ डेथ थी, जो परसेंटेज ऑफ कैजुअल्टीज थी ऑफिसर्स की एज कंपेयर टू जेसीओज ओवर, वो वर्ल्ड वार से भी ज्यादा थी। हमारी आर्मी ऑफिसर्स लीड करते हैं और हमारा जवान आंख मीच के उनके पीछे चलता है। क्या बात है, और यही यही जज्बा है कि लाइफ गोज ऑन। जी हुजूर, यही है, जिंदगी यूं ही चलती है और इसी तरह से रफ्तार। उन्होंने कहा कि मेन चीज होता है ध्येय, जहां पे पहुंचना है, अर्जुन की निगाह जहां तक जाती है। एक बार फिर मैं आप सब की तरफ से सैल्यूट करता हूं जवानों को, जो ऑफिसर्स हैं यहां पे मौजूद हैं उनको, और साथ साथ जो शहीद हुए हैं उनको सैल्यूट करता हूं। जनाब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या नाम है सर आपका? अशोकर जी। अशोक जी, अगर मेरे अल्फाजों से ये बात साझा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ सर, पाल नहीं सकती, पर वो आज भी बोल सकते, नहीं बोल नहीं सकता, क्या बाप साझे में बोल दूंगा, अगर जिंदा लौटाए मैं बोल दूंगा। क्या बात है, बहुत सारे के लोग होते हैं जीवन में, बहुत सारे के लोग मिलते हैं, और इनका ये कहना है कि मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। जी ऐसा भी है सर? सर पूरा बठिंडा शहर उनको पूरा सलूट करता है, पूरा भारत उनके लिए आंखें नम है, भारत की पूरे भारत की आंखें नम है उनके लिए, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। रब सर हमेशा कहते सी पहले असी गोली चलाते नहीं, फिर गोली का जवाब गोलियां ना दें, उन्होंने सलूट है, सारा भारत उन्होंने सलूट करता है, सारे लोग सल्यूट करते हैं, सारे लोग उनका वंदना करते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप, शेयर करना चाहते हैं? मेरा नाम जसविंदर सिंह मांगट जी, मैं विपिन जी का बहुत फैन था, फैन रहूंगा, इनकी जो शहादत है जाई नहीं जाएगी, जो शहीद हुए हैं उनके साथ जो और ऑफिसर शहीद हुए हैं, देश सबको नमन करता है, सबका सबको सलूट करता है। आगे के लिए भी विपिन जी का रूप आएगा, कोई फिर सीडीएस बनेगा, कोई इस देश की कमांड संभालेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने कहा, कर्नल ने कहा था कि लाइफ गोज ऑन। जी मैं आ जाता हूँ आपके पास हुजूर जी। बिल्कुल जी जनाब। सर मैं विजय कुमार गर्ग जी, यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी से, रावत जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम एतवार को सिविल हॉस्पिटल बठिंडा में खूनदान कैंप लगा रहे हैं। कैंप लगा रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ब्लड डोनेट कर चुका हूँ जी, 62 आर जी सर। मेरा तो एक ही कहना है जी प्रधानमंत्री जी से, कि आइंदा पहले भी हमारे जवान प्लेन क्रैश और MiG-20 के अंदर शहादत प्राप्त करते रहे, लेकिन ये हादसा एक सबक लेने के लिए है कि आइंदा सेना की अगर कोई जंग में शहीद हो तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे हादसों में हमारे जवान ना जाएं, और ऐसे उसकी कोई बचाव करना चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए सेना के शस्त्रों को और उनके संसाधनों को, जिसके कारण हमारे जवान सीडीएस रावत जी से हमें बहुत उम्मीदी थी, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश के अंदर ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब कुछ किया, और आने वाले दिनों में सेना को और मजबूत करना था उन्होंने जी। बिल्कुल, मैं तमाम बठिंडा के नागरिकों की तरफ से, बठिंडा के लोगों के जो आज यहाँ पे मौजूद थे, मैं चाहूंगा जिनके सबके आपकी जो जो आपने अपने हाथ में कैंडल ले रखी है वो यहाँ पे लाके सारे लोग अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि दे दें। और आज का जो ये प्रोग्राम खास तौर से था,
भैया जी कहेंगे ये जो प्रोग्राम खास तौर से जो आज था वो नमन श्रद्धांजलि शौर्य को, और सारे लोग आज यहाँ पे भटिंडा के जो लोग मौजूद हैं वह अपनी तरफ से यहाँ पर उस शहादत को तो